वेलकम बेटा टू माई चैनल सो इजी मैथ। माई डियर स्टूडेंट्स, आज आप 8th क्लास की असाइनमेंट सॉल्व करांगे अक्टूबर वाली। वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना। फर्स्ट है बेटा अपने को एमसीक्यू क्वेश्चंस ने, वन मार्क्स वाले। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। फर्स्ट है बेटा 1:4 द प्रतिशत है, परसेंटेज ऑफ 1:4 यदि परसेंटेज फाइंड करने बेटा अपने, तो किमें आऊगा 1/4 100। ये कैंसल आउट हो गया, कि आ गया अपने को 25%। ठीक है जी, तो कि ऑप्शन आ गई अपने को, सी ऑप्शन। देखो कि 80 विद्यार्थियों विच्चों 48 लड़कियां ने लड़कियां की प्रतिशत करनी है। ठीक है, देर आर 48 गर्ल्स आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ठीक है, किमें कढ़ांगे, उपर गर्ल्स की जिनी गिनती है, नीचे टोटल क्योंकि परसेंटेज आता इनटू 100। जीना जीरो कट गई बेटा, ये 6 से कट गया, 8 6 48, तो कि आ गया अपने को 6%। इक्का 10 भी पिया, मीन 60, 6 × 10 कि बन गया 60%। तो कि ऑप्शन आ जूगी, डी ऑप्शन। अगला का बेटा, एक वस्तु का अंकित मूल 80 रुपये है। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज़ 80, ये 76 रुपये वेचा जाता है, इट इज़ सोल्ड एट 76 रुपीज़। फिर कटौती दर की है, डिस्काउंट रेट फाइंड आउट अपने करना है। ठीक है, पहला डिस्काउंट फाइंड करांगे बेटा अपन, मैं डी ने रिप्रजेंट करता। ये क्या होंगे, अंकित मूल माइनस वेच मूल, मीनस मार्केट प्राइस माइनस सैलिंग प्राइस। अंकित मूल कि अपने को 80, ठीक है, सैलिंग प्राइस कि अपने को 76, तो माइनस किन करके कि आ गया 4 रुपीज। अगे डिस्काउंट परसेंट की फार्मूला होंगे, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस मीनस अंकित मूल गुना 100, डिस्काउंट मीनस कटौती, 4/ मार्केट प्राइस कि बेटा 80 × 100। जीरो जीरो कट गई, 4 टेबल से कट गया, ये भी कट गया 5, कि आ गया अपने को 5%। ठीक है जी, तो कि ऑप्शन आऊगी, देखो ये ए ऑप्शन। अगे के बेटा, कटौती किसते निर्धारित होंगी है, डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन, हमेशा बेटा जो कटौती होंगी है, डिस्काउंट होंगे या और मार्केट प्राइस से कैलकुलेट किया जाता। ठीक है, अंकित मूल से किसी वस्तु दे 200 रुपये अंकित मूल का 5% विक्री कर करना अपने बेटा। इस केस दे विच हमेशा वैसे सेल टैक्स है जेड़ा, विक्री कर आप जिन्हें भी कोई चीज़ अपना बिल बनता है, बिल अमाउंट होंगी है, ठीक है, वो तो कैलकुलेट किया जाता है। हुण इस केस दे विच देखो ना, मार्केट प्राइस गिवन है, मीनस दोनों सेम ही ने, कोई डिस्काउंट नहीं है ये। इस केस दे विच मार्केट प्राइस तो सैलिंग प्राइस दोनों सेम ने। ठीक है, तो बेटा आप टैक्स कितना बनू अपने को, 200 पर टैक्स लगेगा 5%, जिन्हों इंग्लिश लिखांगे आप 5% ऑफ 200 का ऑफ मीनस मल्टीप्लाइकेशन, 5% मीनस 5/100। आज इन्हें जीरो कट गए बेटा, 5 × 2 कि आ गया 10 रुपीज, तो सेल टैक्स कि बेटा बेटा अपने को 10 रुपीज। बेटा इस क्वेश्चन का ना आंसर 10 आना सीगा, पर ऑप्शन दे विच देखो कोई है नहीं। ठीक है, तो यदा आंसर बेटा 10 आऊगा, इतने तुम 10 लिख लेना। ठीक है जी, क्योंकि सॉल्व करके 10 आता है। अगला क्वेश्चन है बेटा अपने को, हेठ लिखे लिखिया विचों केड़ा बिंदु एक्स धुरे ते स्थित है। अपने दसना बेटा, विचों द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस उपर केड़े बिंदु होंगे ने। एक्स एक्सिस बेटा वह बिंदु होगा जिद एक्स की वैल्यू तो होगी, पर वाई की होगा 0। ठीक है, वाई 0 होगा, वह बिंदु की होगा एक्स एक्सिस से लाई करूगा। इट मीनस कि पॉइंट हो सकता है 4 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू 4 आ, वाई कि अपने को 0। अगे मैं क्या बेटा अपने को, 7/4 की कोटी ऑर्डिनेट ऑफ 0.74 बेटा, फर्स्ट की होंगे एबसीसा,
भुज। सैकेंड होंगे बेटा अपने को वाई, जिन्होंने ऑर्डिनेट बोलते हैं आप, ठीक है, कोटी, ठीक है। ये कि आंसर आऊगा फोर, ये भी ऑप्शन गलत ने, तो एक थान पर फोर लिख लो बेटा, ठीक है, यदा आंसर क्या होगा फोर। नैक्सट है बेटा अपने को मूल बिंदु निर्देशांक, मूल बिंदु मीनस ओरिजन, जिथे एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस आपस कटते हैं की होंगे ने जीरो जीरो, उस बिंदु निर्देशांक की हाँ जिसका भुज एक् वन है तो कोटी जीरो आ। भुज मीनस एक्स कोआर्डीनेट वन आ, कोटी वाई कोआर्डीनेट कि अपने को जीरो, मीनस एक्स वन वाई जीरो की बनेगा वन जीरो, ठीक है जी। अगे है किसी बिंदु के निर्देशांक जीरो वाई हेठां दित्तियां विचों किस उत्ते स्थापित होणगे। जीरो वाई आर द कोआर्डीनेट्स ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन विच ऑफ द फॉलोविंग। जीरो वाई बेटा देखो जे एक्स का मुल की है तुहाडे कोल जीरो, वाई की वैल्यू हैगी है, जे एक्स जीरो होगा तो किहड़े एक्सिस से लाई करूगा, वाई एक्सिस से, ठीक है। तो इहदा आंसर आऊ बेटा वाई तुरा। अगे गा निर्देश अंक तुरियां की संख्या, नंबर ऑफ कोआर्डीनेट एक्सिस किन्ने होंगे दो, एक एक्स एक्सिस दूसरा की होंगे वाई एक्सिस, मीनस एक्स तुरा तो वाई तुरा। अगे है एक्स तुरे त्यों चार जीरो की दूरी, कोई पॉइंट की जीरो दसने बेटा एक्स तुरे तो, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। हम जिमें बेटा ये एक्स एक्सिस मान के चलते हैं आप, येगा अपने को एक्स तुरा, ये हैगा अपने को वाई तुरा, ठीक है। जिमें वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, इतने ओरिजन आ गया। हूँ मैंने देखना है फोर जीरो, एक्स फोर मीनस वन टू थ्री फोर, एक्स फोर है बेटा इधर, वन टू थ्री फोर, फोर जीरो पॉइंट केड़ा बनूगा दिस वन, ठीक है। इस पॉइंट दी एक्स एक्सिस तो दूरी दसनी है, एक्स तुरे तो फोर जीरो दी दूरी। हम बेटा एक्स तुरे तो कितनी दूरी होगी, तो एक्स एक्सिस ऊपर लाई करता है क्योंकि जो वाई का मूल जीरो है, तो एक्स तुरे तो दूरी कितनी होगी ये दी जीरो, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस ऊपर ही लाई करता है, ठीक है। इहदा आंसर क्या आ गया बेटा जीरो। हमेशा अंकित मूल से निर्धारित की जाती है, इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट प्राइस से, की कटते बेटा मार्केट प्राइस से आप कटौती, ठीक है, मीनस डिस्काउंट। इहदा आंसर क्या होगा अपने को डिस्काउंट। अगे है बेटा अपने को खरीद मूल प्लस लाभ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कि बराबर होंगे अपने को वेच मूल दे, मीनस सैलिंग प्राइस, ठीक है। इहदा आंसर क्या होगा सैलिंग प्राइस। अगे बेटा भाग द्वारा दो समान राशियों की तुलना नूं डैश कहा जाता है, कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड, उन्होंने की बोलते हैं आप रेशो, मीनस अनुपात, आप दोनों का की बोलते हैं अनुपात रेशो। अगे ट्रू फॉल्स, वाई निर्देशांक नूं भुज कहते हैं, वाई कोआर्डीनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, नो, वाई कोआर्डीनेट की बोलते बेटा आप ऑर्डीनेट, ठीक है, इट मीनस ये की अपने को फॉल्स। अगे कार्टीशन समतल में खड़मी रेखा को वाई तुरा कहा जाता है, द वर्टिकल लाइन इन ए कार्टीशन प्लेन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ठीक है, ये क्या आ गया ट्रू। अगे है बेटा अपने कोल एटीएम का अर्थ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये फुल फॉर्म दसनी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी की है ट्रू। अगे है विक्री कर वस्तु के अंकित मूल से लगता है, सेल टैक्स इज कैलकुलेटर ऑन मार्केट प्राइस, नो बेटा जो डिस्काउंट जीरो होंगे ना फिर कह सकते हैं आप, पर वैसे कि ये कि लगता है सैलिंग प्राइस के उपर, मान लो कि दुकानदार है, ठीक है, उन्हें थोड़ा बिल बनाता 200 का बनाता या 300 का बिल बनाता, ठीक है, तो वह जो बिल अमाउंट है थोड़ी वो पर टैक्स लगेगा, ठीक है, ये कह रहे हैं अंकित मूल से, नहीं बेटा ये क्या होगा फाल्स, ये बिल अमाउंट तो लगता है जिन्होंने बिल बने जिन्हें तुसी पैसे देने ने, तुसी जिंदी खरीदी है जां दुकानदार ने जिन्हें बेची है, मीनस उस बिल ते। अगे का साधारण व्याज तहत हरेक साल मूलधन समान रहिंदा है, जदों के मिश्रित व्याज तहत मूलधन हर साल बदलता रहिंदा है, अंडर सिंपल इंटरस्ट द प्रिंसीपल रिमेन्स द सेम एवरी ईयर, वेयर हैज़ अंडर कंपाउंड इंटरस्ट
द प्रिंसिपल चेंजेस एवरी ईयर। ठीक है बेटे, ट्रू आ। ठीक है, सिंपल इंट्रस्ट लिए प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है, कंपाउंड इंट्रस्ट वास्ते वो चेंज होता है, ये भी क्या होगा ट्रू। अगे बेटा अपने ग्राफ ड्रा करना, फिर चेक करना कि एक रेखी ग्राफ आ, लीनियर ग्राफ आ, एक है स्केयर ऑफ साइड का वर्ग की भुजा तो खेत्रफल एरिए। चलो आप ड्रा करते हैं। इत लिखांगे बेटा आप साइड ऑफ स्क्योर, इधर साइड आ जाएगी कंप्लीट, उसे आप लिखना मीनस भुजा आ जाएगी वर्ग की। इधर की लिखांगे बेटा आप एरिया मीन्स खेत्रफल, ठीक है जी। उस तो बाद देखो इधर है तीन चार वर्ग, तीन चार पाँच छे सत लगातार ही है, आप नाम दें जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नाइन टेन। देखो मैं ग्राफ के डार्क लाइन्स ही यूज करनी है, ठीक है जी। इधर है अपने को 49 तक ग्राफ गया तो किसी टेबल नहीं बनता है, ठीक है, लगातार 49 तक देखो। आप 10 का फर्क पा लेने, काउंट करने सौखे हो जाएंगे, 10 20 30 40 50 60, ठीक है जी। इधर साइड आ गई, अगे गा अपने कोल फर्स्ट हैगा 3 उपर 9 4 उपर 16, 3 उपर कि बेटा 9, थ्री दी सेच 9, देखो थ्री थ्री दी सेच कि अपने को 9, 10 तो नीचे मैं क्लोज करके दस दी हाँ। ये कर 10 लाइन्स ने, ठीक है, 3 to 9 एक लाइन नीचे इतने आऊगा, दिस वन ये बन गया 3 9 पॉइंट, ठीक है जी। अगला है बेटा अपने को 4 upper 16, हूँ 4 to 16 16 क्या होगा 10 तो बाद, 4 दी सेच देखो 16 हैगा 10 पढ़ना 10 और 20 दे विच कर कि आ गया इतने 15, 15 तो एक लाइन उपर दिस वन, ठीक है, ये आ जाऊगा 4 upper 16। अगे गए बेटा अपने को 5 upper 20 5 6 upper 35 वर्गी ने मीनस 4 to 16 आ गया बेटा, 5 to 25 20 और 30 दे विच कर दिस वन, ठीक है, 5 to 25। अगे गए बेटा अपने को 6 के उपर कि आऊगा 36, 30 और 40 के विचकार 35 आऊगा तो एक लाइन उपर इत, ठीक है, एक लाइन उपर 6 upper 36। 7 उपर क्या होगा बेटा 49, 50 तो एक पॉइंट नीचे एक लाइन नीचे इत, ठीक है, 7 upper 49। हुण आपां नूं इह पुछिआ सीगा कि इह रेखी ग्राफ आ लीनियर ग्राफ आ, तो बेटा पॉइंट्स नूं जॉइन करके देखो, इह एक लाइन ते नहीं हैगे, एक कर बनूगी तुहाडी, ठीक है, मीनस इह रेखी ग्राफ नहीं हैगा, नहीं हैगा कि इह रेखी ग्राफ है, आपां की लिखांगे नो, क्लीयर जी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगे भी इदा ही है, यशिक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर रफ्तार से चला है, इस स्थिति लिए समा दूरी ग्राफ बनाओ और ग्राफ की वरतों करते हुए पता करो। ये बेटा ग्राफ ड्रा करना, आपां नूं दित्ती हुई है कॉन्सटेंट स्पीड दित्ती हुई है 80 किलोमीटर पर होर, अपने ग्राफ ड्रा करना डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस से टाइम के विचकार, ठीक है। चलो पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आप अगे करांगे। इस वेलोसिटी मीनस स्पीड, जिन्होंने वी ना लिखते आप गति चाल,
किन्नी अपने कोल 80 किलोमीटर पर हॉर। ठीक है, मीनस अपने को बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला होंगे आ वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी किन्नी 80 इनटू टी कि बन गया अपने कोल 80 टी। हूँ देखो जो आप टाइम आ 0 सैकेंड फिर डिस्टेंस किन्नी बनूगी, आप डी वन का नाम दे लें, यह बन जूगा 80 इंटू 0 कि बन गया 0। जो तो बेटा टाइम अपने को 1 सैकेंड आ फस्ट सैकेंड तो अपने को डिस्टेंस डी टू कि बन जूगी 80 इंटू 1 80 किलोमीटर। ठीक है जी, जो तो बेटा अपने को टाइम आ जड़ा वो 2 सैकेंड आ फिर अपने को डिस्टेंस कि बन जूगी 80 इंटू 2 160 किलोमीटर। यदि बेटा जी जे अपने को टाइम आ वो 3 सैकेंड तो डिस्टेंस कितनी बन जूगी, एटी इंटू 3 240 किलोमीटर। एक और कर लें आप, जे बेटा टाइम अपने को 4 सैकेंड सॉरी ये सैकेंड च नहीं आऊगा, किलोमीटर पर हॉर आ, इतने बेटा आप हॉर लिखांगे घंटे। ठीक है, नोट कर लेना इतने घंटे आएंगे। फोर हॉर 4 घंटे आ तो अपने को डिस्टेंस कितनी बन जूगी, 80 × 4 = 320 किलोमीटर। ठीक है, सो हूँ उस तो बाद हूँ आप ग्राफ प्लॉट करांगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इधर बेटा लिखांगे आप डिस्टेंस, ठीक है दूरी, इधर साइड क्या होगा टाइम टी, नहीं बेटा इधर टाइम आऊगा हॉर्स दे विच, नीचे टाइम ड्रा करांगे, इधर आप डिस्टेंस ड्रा करांगे मीन्स दूरी की जगेगी अपने को किलोमीटर दे विच, नीचे टाइम इधर बेटा दूरी वाई एक्सिस वाल। ठीक है जी, चलो हम ड्रा करते हैं आप। टाइम सीगा अपने को 0 तो स्टार्ट किया सी, आप ने इतने आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। ठीक है, जेड़ा अपने को डिस्टेंस सीगा देखो वो 80 का टेबल बनया होया। ठीक है, 80 का टेबल तो आप सीधा 80 का टेबल लिख लाँगे। ठीक है बेटा जी, सौखा बन जाएगा 80 का टेबल 0 80 160 240 320 400 सो ऑन। हूँ देखो बेटा ग्राफ प्लॉट करते हैं, पहला देखो 0 तो सीगा 0 डिस्टेंस, 1 ते कितनी सीगी 80 किलोमीटर। ठीक है, 0 ते 0 1 ते 80 0 ते 0 होगी 1 ते 80 1 दी सेज 80 तक। ठीक है, 2 पर कितना सीगा 160, 3 ते कितना सीगा बेटा 240, 4 ते कितना होगा 320, जे अगे फाइंड करना होवे 5 ते कितना होगा 400। ठीक है, ये थोड़े एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनूगा। क्लियर बेटा, जो सी पॉइंट्स नो ज्वाइन करोगे जेड़ा रीजन चो पास होएगा। हुण आपां क्वेश्चंस दे आंसर दिंदे आ, ग्राफ प्लॉट कर लिया आपां ने। फर्स्ट हैगा बेटा अपने कोल 200 किलोमीटर दूरी तय करन लई यश नूं किन्ना समां लग्गिया, हाउ मच टाइम विल यश टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर दूरी तय करन लई इहनूं किन्ना समां लग्गिया। आ देखो 200 कित्थे आएगा, ठीक है 160 तो लैके 240 दे विचकार
इत्थे 200 बन गया क्योंकि 80 का फर्क है 40 नीचे 40 उपर 160 40 ऐड किए 200 200 40 ऐड किए 240 ठीक है मीनस अद्ध च आऊगा बेटा हूँ ये पैरल लाइन ड्रा करनी है ठीक है जी कुछ बेटे स्केल ना ड्रानी ना किता है ग्राफ ए इदा जाएगा हाँ देखो रीजन इतना पास होएगा जो तो पॉइंट्स नू पॉइंट ना जोड़ोगे उन्हें पैरेलल नीचे लाइन ड्रा करो दिस वन टू और थ्री के विचकार आ गया मीनस किन्ने घंटे लग गए 2.5 घंटे ठीक है तो यह आंसर क्या होगा बेटा अपने को 2.5 घंटे अगे है हाउ फार डिड ही ट्रैवल एट दिस रेट इन 3 by 2 hours 3 घंटे तो अद्धा 3.5 घंटिया के बीच समझ लो कि उन्हें डिस्टेंस कवर की 3.5 hour सेम उदी बेटा पहले आप इन्हें एग्जैक्ट कर दें इतों ठीक है 3.5 दिस वन ये पैरल देखो सेज थ्री और फोर के विचकार इधर है गया अपने को 240 तो 320 के विचकार मीनस 80 का डिफरेंस है 40 नीचे 40 उपर 240 के 40 ऐड करोगे कि जो अपने को 280 ठीक है 40 अगे चले गए 280 280 किलोमीटर यदा आंसर हो बेटा अपने को 280 किलोमीटर अगला देखो अगे है बेटा ग्राफ बनया हुआ ये कर ठीक है ए तो बी दे दूरी कि अपने को 500 किलोमीटर दी हुई है इन्होंने अलग अलग समय में दूरी दर्शाता है ग्राफ का अध्ययन करना तो प्रश्न के उत्तर देने ने देखो एक्स एक्सिस वाल समा आ वाई एक्सिस वाल डिस्टेंस आ दूरी है ठीक है सब तो पहला पूछ रहा वैन डिड द कार स्टार्ट इट्स जर्नी सब तो पहला कार मतलब किन्ने बजे शुरू हुई है वो पहला बेटा आप सही करके लिखते हैं क्योंकि नीचे अपन क्लीयर नहीं हो रहे ठीक है इतने है बेटा 11 AM 12 1 2 3 AM इतने है बेटा अपने को 10 9 8 ठीक है 8 बजे स्टार्ट हुई है इतने PM आन गए पिछे 1 PM 12 बजे तक AM ठीक है किन्ने बजे स्टार्ट हुई है देखो यात्रा 8 बजे 8 AM तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा अपने को 8 AM लगेगा पहले घंटे कार ने किन्नी दूरी तय की हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट आवर पहले घंटे के मीनस 8 to 9 देखो 8 to 0 डिस्टेंस से 9 to 1 घंटे कितने पहुँच गया वो उन्हें 100 किलोमीटर तय कर लिया तो 0 तो स्टार्ट करके 100 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस किन्ने कवर करती है उन्हें बेटा 100 किलोमीटर अगला हैगा कि सफ़र दौरान कार थोड़े समय लिए रुकी वो समांतरा दसो डिड द कार स्टॉप फॉर ए शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग द जर्नी रुकी सी यस बेटा आ देखो 11 बजे भी 300 डिस्टेंस से 300 ते 12 बजे भी उन्हें डिस्टेंस से 1 बजे भी 300 किलोमीटर डिस्टेंस से मीनस 10 to 11 to 1 बजे तक देखो ठीक है और कार सी रुकी सी 11 AM to 1 PM यह आंसर हो बेटा अपने को 11 AM to 1 PM कार बी ते कदों पहुंची When did the car reach the pass? कदों पहुंची देखो
बी पॉइंट ते दिस वन 3 PM ठीक है, किन्ने बजे पहुंचीस बेटा 3 PM ते। क्लियर जी। अगे है बेटा अपने को 6 नंबर वाले क्वेश्चंस ने बेटे, थोड़े सारे 7 चैप्टर के क्वेश्चन ने सारे ही। 7 चैप्टर मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, मैं तुम दस दिनी नहीं कि एक्सरसाइज का कौन क्वेश्चन आ, ठीक है, वह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे देवगी, तुम उतों सीख लेने ने, ठीक है। जिमें है अपने को 7 क्वेश्चन आ, ठीक है, उपला क्वेश्चन है बेटा थोड़े को 7.2 एक्सरसाइज का, यह 6 क्वेश्चन ते और वाला क्वेश्चन है बेटा वो 7.6 एक्सरसाइज का 2nd क्वेश्चन, ठीक है, दिस वन उपला 7.2 का 6 है, 7.6 का 2nd। अगे बेटा देखो जो क्वेश्चन 8 आ, 8th क्वेश्चन जोड़ा वो 7.1 एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन, ठीक है जी। जेड़ा इदा और वाला क्वेश्चन आ वो 7.7 दा 5th क्वेश्चन, ठीक है जी। अगे है बेटा अपने को क्वेश्चन जो 9th आ, यह 7.4 एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन। जेड़ा और वाला क्वेश्चन आ वो 7.7 एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन, ठीक है जी। इन्हें लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे देवगी, तुम उतों ये सवाल सीख लेना। थैंक्स बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना। थैंक्स बेटा जी।